इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं आईमैट टेस्ट के बारे में। अगर आप इटली में एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाना है, सबसे स्टार्टिंग क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम। जैसे हमारे इंडिया में आपको मालूम है कि नीट का एग्जाम होता है, इसी तरह अदर कंट्रीज में भी, फॉरेन की कंट्रीज में भी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम बात करें एमबीबीएस की रिगार्डिंग, जैसे यूके में यूकेट का एग्जाम होता है, इसी तरह आईमेट का एग्जाम होता है इटली में, और जैम सेट का एग्जाम होता है अगर आपने एमएस एंड एमडी आपने करनी है। इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स होते हैं। अगर हम बात करें आईमैट के टेस्ट की, इसका एग्जाम आपको सभी को मालूम है कि जी अगस्त एंड सितंबर में इसका एग्जाम होता है एंड इसके पोर्टल अभी ओपन हो चुके हैं। अगर आप इटली में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में 19, इंडिया में नहीं सभी सभी वर्ल्ड में आप सर्च करेंगे कि 19 सेंटर है जहां पर आईमैट का एग्जाम होता है। हमारे इंडिया में कहां पर होता है, गढ़गांव में होता है, दिल्ली में होता है इसका आईमैट का टेस्ट। बट आपको जे पहले ही बुक करना पड़ता है, आपको लेट नहीं होना, बिकॉज इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है। एंड अगर आपको इसमें सीट नहीं मिलती देन आपको अदर नेबर कंट्री में जाकर एग्जाम देना पड़ सकता है, जैसे यूए वगैरह कंट्री में जाकर एग्जाम देना पड़ सकता है। तो इसकी फीस कितनी आती है, इसकी फीस नियर अबाउट 12,000 से 13,000 रुपया आती है अकॉर्डिंग टू यूरो। कम से कम 130 यूरो इसकी फीस आती है। और इसमें क्या पैटर्न होता है, क्या इसमें कितने टाइम में हम क्लियर कर सकते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या न्याय, इसके रिगार्डिंग मैं अपने चैनल के ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा कि आईमैट टेस्ट के बीच क्या सिलेबस होता है, कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं और कैसे इसका पैटर्न है, जो टफ होता है और इजी होता है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग फॉर एमबीबीएस एंड अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग, और एक बात और, इसमें अगर इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है वो आपको पहले से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप कह देंगे मेरे को इसमें कैट ऑफ गई है तो आपका इस यूनिवर्सिटी में आप अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको पहले से ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं। उससे पहले आपको मालूम है कि प्री एनरोलमेंट करानी पड़ेगी। इसमें फीस आती है, एक्चुअली क्या होता है, इटली में फीस स्ट्रक्चर एक्चुअली अफोर्डेबली होता है, 500 यूरो से लेकर आप मान सकते हैं कि 3,000-2,500 से लेकर 3,000 यूरो तक इसकी फीस आ सकती है 1 ईयर की। और एक बात और, आप इसमें स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। इटली के रिगार्डिंग एमबीबीएस के लिए किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग फॉर आईमेट, आप हमसे किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज आप आने वाली वीडियो को मेरी को सबसे पहले आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।